नमस्कार, हमारा नाम प्रमोद है और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज से हम खबरदार न्यूज में एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बकैती विथ मी, मतलब कि बकैती विथ प्रमोद। इसमें हम कुछ कुछ नए नए मुद्दों को लेकर के आए जिसको सुनकर के आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा आप हंसेंगे, थोड़ा गुदगुदाएंगे। तो आज का मुद्दा ऐसा है कि जो कल का दिन बहुत ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक ऐसे है कि आगे आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बताएंगे, किस वजह से ऐतिहासिक है। कि हुआ ये कि हम कल गए थे बाजार, और बाजार से जब लौटे अपने मोहल्ले में लौटे तो देखे कि वो एंजल प्रिया लिपस्टिक वाली मिश्राइन की बिटिया और शर्माइन की लड़की दोनों माँ एकदम रोड में रो रो के तमाशा मचाई थी। लिपस्टिक निकाल दी, चूड़ी फोड़ दी, बिंदी उंदी सब निकाल दी हैं। और मोहल्ले के लोग एकदम चारों तरफ खड़े और मिश्राइन और शर्माइन एकदम खुश। हम कहे भाई बिटिया रो रही हैं और अम्मा एकदम खुश, बात का है। तो हम भी जाके खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो बगल में एक जन चचा खड़े थे। तो हम कहे भैया चचा का हुआ, काहे रो रही हैं ये मिश्राइन के बिटिया वंदना और प्रिया प्रियंका, काहे रो रही हैं? तो चचा कहे कि भाई दोनों तीनों बेरोजगार हो गई हैं। हम कहे बेरोजगार हो गई, कौन बैंक में नौकरी करती रही कि बेरोजगार हो गई हैं? बोले नहीं 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 नहीं, बैंक में नहीं नौकरी करती रही, चाइना ने इनको रोजगार दे दिया था, टिकटॉक, हाँ टिकटॉक ने इनको दे दिया था रोजगार। अब मोदी जी ने टिकटॉक को बैन कर दिया है तो हो गई बेरोजगार। अरे भैया हम जैसे सुने कि टिकटॉक बैन हो गया है हम एकदम कूद गए, हम बहुत खुश हुए। हमको ऐसा लगा कि जैसे चाइना हमारी कोनो जमीन फंसी थी और गाँव के हमारे पटवारी और आरआई मिल के उस जमीन को हमारे निकलवा दिए। हम एकदम दनादन घुसे घर के भीतर और दन 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 चढ़े सीढ़ी चढ़ के देखे छत में देखे तो हमारे मोहल्ले के जो काले कलूटे लौंडे थे एकदम खुश, कह रहे हैं कि अब ये जो प्रियंका है, प्रिया है, वंदना है, ये लोग अब हो गए हैं बेरोजगार। तो अभी अपना चेहरा मोबाइल में तो दिखाएंगे नहीं, नाले के सामने खड़े होकर क्या दिखाएंगी, तो कम से कम उन बेचारे जो काले कलूटे लड़के हैं उनको ही देख लेंगी थोड़ा बहुत है। लेकिन टिकटॉक बैन होने से जो हमारे देश के जो लगभग लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं वो कह रहे हैं कि अब हम एक पार्टी बनाएंगे और मोदी जी के खिलाफ खड़े होंगे और उस पार्टी का नाम होगा टिकटॉक जनता पार्टी, समझ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अब ये लोग टिकटॉक जनता पार्टी बनाएं ना बनाएं, मोदी जी के खिलाफ खड़े हों ना खड़े हों, चाहे जो करें, लेकिन कल का दिन तो था बड़ा ऐतिहासिक। हम बहुत खुश हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो चाइना को ना एकदम कचर के राउंड दिए हैं एकदम, और अनुराग कश्यप की पिक्चर देख रहे हैं हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि वो अनुराग कश्यप की पिक्चर वाला डायलॉग एकदम सही हो गया है। वो डायलॉग था ना कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो हमको ऐसा लग रहा है कि कोरोना का, अपने सैनिकों की शहादत का, अम्मा का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा टिकटॉक। तो कल का दिन इस तरह से ऐतिहासिक हुआ। हम आपको एक बात बताएं कि ये टिकटॉक बैन होना ना होना, चाहे सरकार बैन करें ना करें, लेकिन हम एक समाज में रहने वाले, हमारे भारत देश के रहने वालों का अपने आप में एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम भारत की ही, अपनी देश की ही चीज़ें बनी चीज़ों को उपयोग करें, बाहर की चीज़ों को ना उपयोग करें। चाइना का तो ना ही उपयोग करें, वो एकदम पीठ में छुरा भोंकता है, समझ रहे हैं। और ये जो लोगों को जो बेरोजगार हुए हैं उनको एक सलाह देते हैं कि अपने टिकटॉक से निकल करके थोड़ा सा देश के लिए, समाज के लिए सोचें। जो समय टिकटॉक में देते हैं वो घर के लोगों को समय दें, पढ़ाई लिखाई में समय दें, समझ रहे हैं। और बाकी के न्यूज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगली बकैती के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।